नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। आज फिर एक और विधानसभा के चुनावी समीकरण के साथ आपको रूबरू करवाती हूं और साथ में उस विधानसभा सीट के उम्मीदवारों के बारे में भी जानकारी साझा करती हूं। आज बात करेंगे शाहपुरा विधानसभा सीट के बारे में। शाहपुरा विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। इस बार शाहपुरा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कांग्रेस ने शाहपुरा से मनीष यादव को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव पर दांव खेल दिया है। लगभग 30 लाख बेरोजगारों की आवाज अब भाजपा की आवाज बनने जा रही है। शाहपुरा विधानसभा सीट राजस्थान के जयपुर जिले में आती है। 2018 में शाहपुरा में कुल 38% वोट पड़े थे। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और गुजरात की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला के बेटे आलोक बेनीवाल को जीत मिली थी। आलोक बेनीवाल ने 66,538 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के मनीष यादव के खाते में 62,683 वोट आए थे। 2018 के शाहपुरा विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 235,137 थी। शाहपुरा यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां इसलिए दोनों पार्टियों ने युवा नेताओं के चेहरे के साथ साथ जातिगत दौर पर भी खेला है। शाहपुरा विधानसभा सीट जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है। संसदीय क्षेत्र से सांसद है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कृष्णा पूनिया को 393,171 वोट से हराया था। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव की, तो स्टूडेंट्स राजनीति से करियर शुरू करके आज विधानसभा का चुनाव लड़ने तक के सफर में उन्होंने युवाओं को खास आकर्षित किया है। पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से सीधे वार्ता कर चर्चा में आए थे। उन्होंने शाहपुरा क्षेत्र की सारी समस्याओं को राहुल गांधी के सामने रख दिया था। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी उपेन यादव की, तो उनकी राजनीति में ये लॉन्चिंग है। बेरोजगार युवाओं की मांग उठाने वाले उपेन को लगभग 30 लाख युवाओं का सीधा समर्थन है और अब वो बीजेपी से टिकट ले चुके हैं, तो वो समर्थन सीधे तौर पर बीजेपी को भी मिल सकता है। वैसे उपेन यादव ने एक समय पर अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों की सरकार में मुश्किलें बढ़ा रखी थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार एक और विधानसभा सीट के साथ आपके साथ मिलती हूँ। नमस्कार।